जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह कंबोज का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा बरगलाने की राजनीति की है, चाहे वह किसानों के लिए हो या फिर चाइना के लिए। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो वह इस बात को पचा नहीं पाती और किसी न किसी को बरगला कर सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध कोई न कोई खेल खेलती रहती है। उनका कहना है कि हमारी सरकार ने किसानों के हक में जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं उसमें किसानों का ही फायदा हो सकता है। अगर किसानों को इसमें कोई कमी लगती है तो वह सरकार के साथ बैठकर बातचीत के जरिए इसको हल कर सकते हैं। कंबोज का स्पष्ट तौर पर कहना है कि किसान विपक्ष के बहकावे में ना आए और वे इस अध्यादेश को समझें, इससे उनका ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को बरगला कर अपने साथ लगाया और 10 दिसंबर को पीपली में जानबूझकर दंगा करवाया, लेकिन अब दाल गलती न देख किसानों को उनके हाल पर छोड़कर अलग हो गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा से दोगली राजनीति करती आई है। उन्होंने किसानों को कहा कि वे कांग्रेस सहित किसी भी विपक्ष के बहकावे में न आए और सरकार से बैठ कर इन मुद्दों पर हल निकालें। देखिए, आज तक जितने भी कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो लोगों को बरगलाने के लिए उठाए हैं। आज चाहे चाइना के मुद्दे पर देख लीजिए, वहाँ पे हमारी जो जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो 3 अध्यादेश जो जारी किए हैं इसमें हमारे किसानों का फायदा है। और पीछे हमारी पार्टी ने भी स्टैंड लिया था कि जो MSP है और जो ये मंडी है ये ख़त्म नहीं होगी। अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो किसानों को किस प्रकार से इसका नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई कानून बनता है ऐसा नहीं होता कि वो पहली बार में ही वो बिल्कुल सक्षम हो जाता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर त्रुटियाँ कुछ कमियाँ रह जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि किसान भाइयों को हमारे साथ बैठ करके इस पर बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको लगता है कि उनके हक में ये बात नहीं है तो उसके ऊपर बैठ के विचार विमर्श किया जा सकता है, ना कि सड़कों पर उतर के इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन किए। हाँ, देखो, उनका तो मकसद ही यही है कि जो हरियाणा है वहाँ पे शांति ना हो, वहाँ के शांति भंग करने का उनका मकसद है। इसी कारण से उन्होंने पहले तो किसानों के साथ लग करके उनको उनके कंधे पर बंदूक रख करके चलाने की कोशिश की। जब वहाँ से बात बनती नहीं दिखी तो अपनी अलग से लाइन पकड़ ली। तो ये इनके तो पुरानी नीति रही है। क्या कहना चाहूँगा कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसान, मैं भी एक किसान हूँ और हम भी यही चाहते हैं कि किसानों का हर तरीके से भला हो। और मैं यही चाहता हूँ किसानों को अगर कहीं पे उनको लगता है कि इस कानून के अंदर कुछ कमियां हैं तो वो बैठ करके बातचीत करके सरकार से उस चीज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं, ताकि हम ये जो कानून है ये किसानों के हितों की रक्षा करे। कानून हम किसानों के हितों की रक्षा चाहते हैं।